अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लेशियर टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम नबी रहना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर केशु कुमार केशु, जो सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदर हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस चीज के लिए आपने साथ वो इनवाइट किया, काफी शुक्रगुजार हूँ मैं इस चीज के लिए। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे कि जो आप एक ऑर्थोपेडिक हैं, तो जो आर्थराइटिस हैं या जैसे कि लो बैक पेन या जो आज डिस्क वगैरह होते हैं पेशेंटों में, तो और आज जो ये COVID-19 चल रहा है, इसमें मूवमेंट बिल्कुल बंद होती है लोगों की, तो सर क्या इनको इसमें एहतियात बरतने हैं, क्या एक्सरसाइज करने हैं इनको, आप अपने नाज़रीन को बता दें। जी बिल्कुल, एक्चुअली जिन लोगों को अभी कमर दर्द है या घुटने में दर्द है या कोई भी जोड़ का दर्द है और वो चलने फिरने में असमर्थ हैं या उनको लग रहा है कि चलने पे कमर में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, ये एक तरह से कहा जाए तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपने ऊपर समय देने का, क्योंकि इन सब चीज़ों का जो भी जोड़ का दर्द है या कमर का दर्द है, इनका इलाज उनके हाथ में ही रहता है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, जो कि वो एक्सरसाइज है। अगर वो वर्जिश रेगुलर वे में करें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर वे में करें, वो ही प्रॉपर इलाज होता है। और अभी लॉकडाउन में हमें कहीं नहीं जाना है, इस महीने में तो वो अपने ऊपर समय दे सकते हैं और ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं। कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम वो एक्सरसाइज रेगुलर वे में करें, प्रॉपर तरीके से करें, तो उनको बस डॉक्टर के पास तो जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और कोई दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें जो कमर दर्द होता है वो हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसलिए होता है, धूप में हम नहीं बैठते हैं इसलिए होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं इसलिए होता है, और अभी तो ऊपर वाले का शुक्र है कि भाई हम अपने लिए समय दे सकते हैं, धूप में आराम से बैठ सकते हैं, एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, तो ये समय का मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए और एक्सरसाइज करें, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, और मतलब जितना अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे उतना अच्छा उनको उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आर्थराइटिस पेशेंट हैं या कोई जिनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्या उनको करना चाहिए, क्या क्या मतलब उनको मतलब खाने के लिए? जैसे देखिए, आर्थराइटिस में जो हमारे पास मुख्यतः जो मरीज आते हैं वो कमर दर्द वाले होते हैं या घुटना दर्द वाले होते हैं या पैर में उनको दर्द रहता है, ठीक है, और जैसे कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम की कमी के लिए जो है वो दूध वाला जो प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट, वो हमें लेना चाहिए। नॉन वेज भी हम लेते हैं, उससे भी जो है कैल्शियम की कमी पूरी होती है। या फिर जैसे घुटने का जोड़ का पानी कम हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, उसमें हमें जो ग्लूकोसामिन और डाइसरीन है वो हम नॉन वेज के प्रोडक्ट से जो भी लेते हैं, जैसे मटन खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा उससे बेनिफिट होता है। तो डाइट में हम चिकन या मटन या कुछ भी मतलब जो प्रेफर करते हैं हम ले सकते हैं, वो फायदा ही करता है। घुटने का एक्सरसाइज जैसे है, वो घुटने का एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज हम कहते हैं उसे, ठीक है, वो हम एक्सरसाइज वर्जिश करें तो घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। कमर के लिए बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज अगर लेट करके करने के लिए होता है, खड़े होकर के करने के लिए होता है, अगर हम वो एक्सरसाइज करें तो वो ठीक हो जाएगा। कैल्शियम सप्लीमेंट जो आपने पूछा, मिल्क प्रोडक्ट से आता है और नॉनवेज प्रोडक्ट से भी आता है, और विटामिन डी ये धूप से आता है, तो ये दोनों चीज ही हम घर रहते हुए अच्छे से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि डिस्क वाले पेशेंट जो होते हैं, उमूमन उनको ज्यादातर पेन होती है, तो गर्मी में वो बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी पेन थोड़ी कम हो गई है गर्मी में बैठने से, तो सर उनको मतलब क्या करना चाहिए, गर्मी उनके लिए कितनी मुफीद है? जो जिनको भी डिस्क की दिक्कत है उनको धूप में बैठना चाहिए, कम से कम एक घंटे भी अगर वो धूप में बैठते हैं,
मतलब धूप में डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए कि कम धूप, पीठ पे अगर हमारा डायरेक्ट धूप लगता है मतलब हम बनियान उतार के भी बैठे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जो है वो एक तरह से हमें फोटोथेरेपी देता है। और डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी यही चीज करते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी देते हैं। भाई डॉक्टर मशीन से करता है, कुदरत ने हमें ऑलरेडी मशीन दे रखा है, वो धूप है, वो बहुत ही बेहतरीन चीज है और हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। तो धूप में बैठना एक बहुत ही बेहतर चीज होता है। तो सर इसका ये जो मतलब जो अभी आर्थराइटिस की बात हमने की, अभी जो जॉइंट्स में पेन होता है, तो इसमें पेशेंट को अगर किसी को डिस्क होगा तो उसको कैसे बैठना कैसे चाहिए उसको, कि वो कभी तो वो उल्टा बैठता है तो कभी वो सीधा बैठता है, तो वो कहता है कि उल्टे बैठने से भी हमारी पेन कम होगी, कभी डायरेक्ट जब वो सीधा बैठता है तो कहता है कि हमारी पेन बढ़ गई है, तो उन चीजों में उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली जो डिस्क की दिक्कत है या जो हमारे जो आजकल यंग एज में भी काफी होने लग गया, मतलब जो है 25 से 35 या 45 एज वाले ग्रुप है उनको भी काफी ज्यादा डिस्क की दिक्कत हो रही है। और ये जो डिस्क की दिक्कत है ये मांसपेशियों की खिंचावट की वजह से होता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों के अकराहट के कारण से कुछ का मांसपेशी लेफ्ट साइड का अगर अकड़ा है तो उसको राइट साइड लेटेगा तो दिक्कत सही हो जाएगा, जिनका राइट साइड का अकड़ा है उनको लेफ्ट साइड लेटेंगे तो वो है तो उसमें आराम आ जाता है, कुछ का फ्रंट का अकड़ जाता है तो सीधा लेटते तो ठीक हो जाता है। तो उस तरह से है, तो यूजुअली हमें जो बैठना है सिटिंग पोस्चर के लिए हमें पूरा सीधे बैठना है, कमर से जो है गर्दन की हड्डी पूरी स्ट्रेट रखनी है, एकदम सावधान वाला जो मुद्रा होता है जो स्ट्रेट पोजीशन होता है, तो सिटिंग पोजीशन में स्ट्रेट पोजीशन रखना है। और अगर जब लेटते हैं सोते समय के लिए हमें हार्ड मैट्रेस यूज करना चाहिए, जैसे कि हम अगर सोते हैं तो जैसे वहां पे है कालीन तो हम सिर्फ डायरेक्ट कालीन पे सोएं, गद्दे पे ना सोएं, और कोशिश यह करनी है कि तकिया यूज ना करें और सीधा लेटें। सीधा लेटने से काफी अच्छा बेनिफिट रहता है, बैक का जो मसल है उसमें काफी अच्छा रिलैक्स आता है। और लेटते समय जो है एक्सरसाइज करना है, बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, वो कैसे होता है, पेट के बल हमें लेटना है, ठीक है। पेट हमारा जो है फर्श की तरफ रहेगा, मुंह जो है फर्श की तरफ रहना है, हाथ को आराम से रिलैक्स मोड में जैसे हम लेटते हैं उल्टा लेटना है, और धीरे धीरे जो है हाथ के सहारे हमें ऊपर उठते हुए छत की तरफ देखना है, इससे क्या होगा कमर के उल्टा सी जैसा हमारा शरीर बन जाएगा। तो ये सी जैसा जो शरीर बना करके छत की तरफ देखना है, यह एक सिंपल एक्सरसाइज है जो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज में इंक्लूड होता है। लेटते समय अगर ये एक्सरसाइज वो करते हैं तो उनको काफी ज्यादा डिस्क में काफी अच्छा रिलीफ आता है। तो सर जो आज ये वर्ल्ड वाइड जो बीमारी है इसमें आमतौर जो डॉक्टर पेशेंटों को कहते हैं कि घर में ही बैठो, और तो घर में बैठे हैं लोग लॉकडाउन की वजह से, तो उनको फिर मतलब वो एक्सरसाइज करनी है वो घर में करते हैं, लेकिन जो ज्यादा बीमार होते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल मतलब उठ नहीं सकते हैं वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी सर, एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज करने के लिए तो पहले थोड़ा बहुत नॉर्मल पेन में रिलीफ होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल पेन में रिलीफ के लिए जो है हमें दवाइयाँ कुछ लेनी पहले जरूरी पड़ती हैं। जब दर्द में आराम आ जाए तभी एक्सरसाइज करना है, दर्द में आराम नहीं है तब एक्सरसाइज करेंगे तो दिक्कत है, वो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो जो जिनको डिस्क का दिक्कत है, जिनको दर्द काफी ज्यादा है, पैर में सुन्नपन आ रहा है, पैर में दबाव बहुत ज्यादा है, दर्द चलते हैं तो बैठना पड़ जाता है या पैर में सुन्नपन आ जाता है, उस कंडीशन में जो है पहले हमें दवाई ले लेना चाहिए, जो मसल रिलैक्सेंट है, दर्द की गोलियां हैं, या थोड़ी बहुत जो नसों में सूजन आ जाती है उस चीज की दवाइयां होती हैं, नस में दबाव होता है उस चीज से दवाइयां होती हैं। तो ये 3-4 तरीके की दवाइयां होती हैं जो हमें पहले डॉक्टर के सलाह से मशवरे से पहले ले लेनी चाहिए, जब दर्द में आराम हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद ही एक्सरसाइज करना है। तो पहले पेन रिलीफ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पेन में रिलीफ होगा उसके बाद ही ये सारा चीज करना है। तो जिनको अगर ज्यादा दिक्कत है, वो आजकल तो वैसे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन हम कर सकते हैं, तो जो भी नियर बाय डॉक्टर है ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, डॉक्टर आपसे वीडियो कॉल कर सकते हैं आज की डेट में, या फोन पे बात कर सकते हैं जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं,
फोन पे बात करते हुए जो डॉक्टर को उचित लगेगा उस हिसाब से प्रिस्क्राइब कर देंगे वो दवाई। कोई भी जो एक आदमी जो है जो नॉर्मल है बंदा वो बाहर जाए, सारी एहतियात बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरतते हुए दवाई ला सकते हैं, दवाई ला करके उस चीज को ले लें तो दो चार दिन पांच दिन में वो ठीक हो जाएंगे, थोड़ा चलने लायक कंडीशन हो जाएगा। फिर फर्दर जो है एक्सरसाइज या जो भी, जैसे हमें आगे का जैसे कुछ ब्लड टेस्ट कराना है या कुछ MRI करानी है या कुछ भी जो एक्सरे कराना है वो बाद में करके फर्दर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो सर ऐसे मरीज जो है मतलब जिनकी ये पेन वगैरह पेन किलर खाते हैं वो, उनसे उनको फिर वो स्वेलिंग जैसी होती है? हाँ हाँ, पैरों में सूजन हो जाता है कुछ लोगों को। देखिए जो दर्द की दवाइयां हैं जो हम दे रहे होते हैं वो यूजली थोड़ी हार्ड होती है और ओल्ड एज में या कुछ लोग में उनमें वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं होता तो पैर में सूजन हो जाता है, इसलिए तो डॉक्टर के मशवरा से ही लेनी होती है, ऐसे नहीं लेनी। हाँ, तो आज जो ये बीमारी चल रही है क्या इसका कोई असर ऐसे बीमारों पे तो नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो असर है, ये जो बीमारी है, इसमें जोड़ के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, कोई भी ऑर्थो प्रॉब्लम के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, इससे हमें एक्स्ट्रा एहतियात रखने की जरूरत नहीं है। तो सर बस इसमें जो इनको इस वाले कोरोना की जो महामारी है इसमें सिर्फ दो लोगों को ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, पहला जिनका उम्र बहुत ज्यादा है, दूसरा जिनका उम्र बहुत ज्यादा कम है, मतलब कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं 1 साल के 2 साल के 3 साल के उनको ज्यादा दिक्कत है और जो ज्यादा बड़े हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि इस महामारी में क्या है, ये हमें सांस में दिक्कत कराता है, ये हम बीमारी मेन सिर्फ जो है ज्यादातर वो सांस की दिक्कत है, सांस ले नहीं पाते, सांस छोड़ नहीं पाते और अंदर फेफड़े में पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ये वैसे ही है जो फेफड़े में, अब जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जो होता है वो बूढ़े बुजुर्गों में अगर होता है हम उसे ठीक करने में ही परेशान हो जाते हैं। नॉर्मल खांसी अगर किसी बुजुर्ग को है, आपने देखा ही होगा कि नॉर्मल बुजुर्ग को सिंपल खांसी है वो कितने दिन में ठीक होता है, और एक 20-22 साल के 30 साल के लड़कों को अगर खांसी है तो वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। ये कोरोना की डरने का जरूरत कुछ नहीं है, बस बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों को बच के रहने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ उनमें ही दिक्कत हो रही है जितना हम देख रहे हैं। तो बाकी नहीं तो यंग एज में भी होता है लेकिन उसमें कुछ साथ में उनको पहले से प्रॉब्लम हो रही होती है, उनमें ज्यादातर देखा गया है। होता तो ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं होता है, बट ज्यादातर जो है ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज में प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर साहब आखिर पर आप ऐसे मरीजों को क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या उनको एहतियात बरतने होंगे, दोबारा आप उनसे कहिए। किन मरीजों को, जिनको जो ऑर्थोपेडिक जिस बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ, ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मरीज हमारे पास हैं, कोरोना से जो एहतियात जो नॉर्मल एहतियात है वही बरत, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरत का चीज है, बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के रखें, कोई भी चीज को छूटने से बचना है, हमें छूना नहीं है किसी भी चीज को, अगर छूते हैं तो बिना हाथ धोए फिर दूसरे चीज को ना छूए, ये तो नॉर्मल एहतियात है जो सबको ही बरतना है, चाहे वो हड्डी वाले मरीज हैं, चाहे वो किसी भी चीज के, चाहे वो हेल्दी चीज है। हमारे हड्डी वाले मरीजों को जो जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या डिस्क का प्रॉब्लम है, इनको अलग से कोई एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है, जो एहतियात वैसी है वही वाली एहतियात हमें बरतनी है, एक्स्ट्रा डरने की भी कोई बात नहीं है, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आर्थराइटिस एक कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यह उम्र के साथ सबको होता है, तो इसमें एक्स्ट्रा घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो हमें घबराना चाहिए कि भाई कोरोना के टाइम में हमें एक्स्ट्रा कुछ करना है, हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, नॉर्मल चीज करते रहें, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर कुमार केशु, जो सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदर हॉस्पिटल नई दिल्ली से बात कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।